नमस्कार फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, जो लोग भी एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं, एनआईओएस वाला जो ये वाला है, आप कहते हैं, आपको मैं दिखा देता हूं, जो अध्यापक एनआईओएस नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन मतलब एनसीटी के द्वारा जो 2017 में कहते हैं ये जगह निकली, मतलब ये आर्टिकल निकला था, फिर उसके बाद कहते हैं डिप्लोमा हुआ तकरीबन 1.5 साल का, बहुत सारी कहते हैं इसके बाद कई लोगों ने कहा कि 1.5 साल का है, इसलिए मैं बता दूं कि कोई भी कोर्स जो होता है 2 साल का, उसमें ट्रेनिंग भी होती है 6 महीने की, लास्ट सेमेस्टर जो होता है, तो इसमें क्या होता है, अनट्रेंड टीचर हैं उनके लिए ये कोर्स अलाउ किया गया था। बाद में कई सारी बहस हुई, बाद में कहते हैं जो बिहार हाई कोर्ट है उन्होंने इसको एलिजिबल करा दिया, फिर बाद में कहते हैं एनसीईटी के द्वारा भी इसको ऑथराइज किया गया। एनसीईटी ने बकवाया था, 3 पॉइंटों में कहा था, वो अभी मेरे को नोटिस मिल नहीं रहा है, लेकिन उसमें कहा गया था कि हम अपनी तरफ से इसको, इस कोर्स को बैलेट करते हैं सभी जगह, सभी जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है सभी प्रदेशों में, लेकिन अगर कोई राज्य चाहे तो स्टूडेंट की जो दुविधा है उसको दूर करने के लिए स्पष्ट तरीके से उसमें एलिजिबिलिटी और नॉट एलिजिबिलिटी को शो करके दे दे, ताकि स्टूडेंट भ्रमित ना हो। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो हमारा जो अभी जूनियर वैकेंसी आई है, तो कई बार आप कई स्टूडेंटों का ये कहना है होगा कि इसमें क्या हम वैलिड हैं, जूनियर वैकेंसी के लिए वैलिड हैं, तो मैं बता दूं कि हाँ, इसमें वैलिड हैं अगर जो भी ग्रेजुएट किए हुए हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क होने चाहिए, कोई भी आपने बीए बीएससी बीटेक जो भी किया हुआ है, जो भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बकायदा कहते हैं आज 15/3 मतलब 15 मार्च को आज सुनवाई थी लखनऊ में, तो वहाँ पे एलिजिबल हुए गए हैं। और दूसरा मैं बता दूं आपको कि एनआईओएस से आपने अगर बीएड किया है, तो यहाँ पे देखो पटना हाई कोर्ट ने कहा था, हैज़ रूल्ड मेंटेन द पार्टी बिटवीन द डीएलएड कोर्स टेकन थ्रू द एनआईओएस डीएलएड ऑप्टन फ्रॉम एनी अदर एनसीईटी, मतलब कुल मिला के एनसीईटी एलिजिबल है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जितने को लोगों को भी डाउट है कि एलिजिबल हैं या अथवा नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्योंकि टीचर एलिजिबिलिटी के लिए आपको कहते हैं रिकॉग्नाइज रहेंगे, तो यहाँ पे आप जाइए, जैसे आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पे जाइए आप जूनियर भर्ती, तो यहाँ पे देखो डीएलएड दिया है बीटीसी, पहले आप यहाँ पर भरिए यहाँ बीटीसी के लिए यहाँ से। ठीक है, ये लिखा है बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम 50% मार्क। ठीक है, तो बीटीसी या डीएलएड लिखा है, तो यही ऑप्शन आपको चूज करना है, आपको एनआईओएस के लिए क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, आप एक क्लिक ऑनलाइन करते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपका पेज खुलेगा, इस तरह का पेज खुलेगा, तो आप कहते हैं यहाँ पे ना आके यहाँ पर रजिस्टर नंबर में इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप क्या कहते हैं, यहाँ पे सबको पढ़ के चीज़ों को, 700 रुपये का फॉर्म है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ऑलरेडी यहाँ पे पंजीकरण के लिए क्लिक करेंगे, पंजीकरण क्लिक कर लिया, फिर आप इसके बाद यहाँ पे अपना नाम हम चीज़ें भरेंगे। ठीक है, तो मैं नाम भर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको मदर नेम यहाँ भर दीजिए, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें आप भर के कैटेगरी आपकी जो भी हो भर दीजिए, जेंडर मेल है फीमेल यहाँ भर दीजिए, यहाँ पे एन ए कर देना है अगर फ्रीडम फाइटर आपको लग जाए तो। ठीक है, यहाँ ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको भरना है टीचर एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर डीएलएड करना है, उस पर बाकी आपको कर देना, वैसे करके स्टेप आपको कम्प्लीट होगा। फिर दूसरे स्टेप में आपको एक वो फॉर्म भरना है, फिर तीसरे स्टेप में आपको मतलब फॉर्म अपलोड करना है, फिर तीसरे स्टेप में आपको करना है एक आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। ठीक है, और फिर चौथे स्टेप में प्रिंट आउट निकल आएगा आपको पेमेंट करने के बाद, तो ऐसे सारे स्टेप करके कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि एनआईओएस एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।